हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आज हम जा रहे हैं पटना। तो आगे आने वाले कुछ दिन पटना का व्लॉग डालेंगे। तो पटना में कहाँ कहाँ घूमने का, कौन सा अच्छा अच्छा जगह है और आप लोग कौन सा जगह को देखना चाहते हैं वो कमेंट कीजिएगा। तो फिलहाल इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और हम रेडी हो चुके हैं। समय की बात करें तो 6:30 हो रहा है, तो फ्रेश भी हो चुके हैं, नहा वहा लिए हैं क्योंकि आज थर्सडे है तो नहाना ज़रूरी था, तो नहा भी लिए और येलो कलर का ड्रेस भी पहन लिए। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं पटना। तो हम आप लोगों को रास्ते में सारा कुछ अपडेट देते रहेंगे। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए कि पटना में कौन कौन सा ब्लॉग देखना चाहते हैं और कहाँ कहाँ घूमना चाहते हैं। तो हम कुछ दिन रहेंगे वहाँ पर, तो टाइम काम भी अपना हो जाएगा और घूम भी लेंगे। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और फिलहाल देख सकते हैं कि कल बारिश बहुत हुई थी, गर्मी काफ़ी पड़ रहा था और बारिश का थोड़ा देख सकते हैं, अभी मोहल्ले में ही है, देख सकते हैं बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है कल रात में और इस वजह से लाइट भी नहीं है, तो घर में बहुत ज़्यादा अंधेरा है। सामान में एक बैग लेके जा रहे हैं, तो फिलहाल अपने घर से निकल रहे हैं अभी। तो फिलहाल मेरे मोबाइल का चार्जर छूट गया है तो पापा लेकर के आ रहे हैं चार्जर। हम यहाँ चार्जर ले लिए हैं जो छूट गया था और चार्जर को रखते हैं फिर चलते हैं। देख सकते हैं ये चार्जर छूट गया था। तो देखिए वहाँ पर बस लगी हुई है और उसी बस में अभी हम लोग चलेंगे। तो गाइस फिलहाल अभी बस में आ चुके हैं और देख सकते हैं बस अभी खाली है पूरा, क्योंकि ये बस 7:40 में निकलेगी और यहाँ पर हम सीट ले चुके हैं और यहाँ पर भैया है। भैया क्या हाल है, गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग भाई साहब, गुड मॉर्निंग। तो गाइस अभी निकल चुका है बस। तो गाइस अभी पहुँच चुके हैं दिल्ली मोड़। ये देख सकते हैं दिल्ली मोड़ बस स्टैंड है, इसकी हालत को देख लीजिए, बहुत बद से बदतर हाल है इस दरभंगा बस स्टैंड का। लहरिया सराय से चले तो सो गए थे, नींद लग गया था क्योंकि कल रात में लाइन था नहीं, इस वजह से सो नहीं पाए थे। अभी थोड़ा बहुत अच्छी नींद आ रही थी इस वजह से सो गए थे। तो चलिए अभी चलते हैं, यहाँ से खुलती है तो सीधा बैठते हैं और डायरेक्ट पटना में मिलेंगे। रास्ता में आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखाते हुए चलेंगे, क्या सीधा आप लोग से पटना में मिलते हैं। I'm gonna throw my memories away. Now I feel I'm done and I am cursed by every day till my time is gone. I've never felt this way before and now I know. हमारे आगे देख सकते हैं हाजीपुर का फेमस केला। I'll never forget this day. तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पटना सिटी वाले घाट और अब हम लोग यहाँ पे हम उतरेंगे। चलिए लिखा हुआ राजधानी में आपका स्वागत है। तो फाइनली अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गाय घाट, चलिए पटना जंक्शन के लिए ऑटो पकड़ते हैं। फाइनली ऑटो मिल चुका है और अभी हम लोग स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो गाइस अभी पटना जंक्शन आ गए हैं, लेकिन हम पटना जंक्शन के दूसरे साइड पे उतरे हैं तो उसके लिए अभी हम जा रहे हैं। इधर से जाएंगे सीधे और एक सीढ़ी है, सीढ़ी से होते हुए दूसरे साइड में चले जाएंगे जिस साइड में बजरंगबली का मंदिर है। तो चलते हैं अभी हम उधर ही। चलिए अभी हम बाहर निकलते हैं, फिर आप लोग से आपसे बात करते हैं। फाइनली अभी एक्सलेटर पे आ चुके हैं, ये स्टेशन के आउटसाइड चलते हैं फिर आप लोग से दिखाते हैं। देख सकते हैं फाइनली गेट नंबर 3 पर आ चुके हैं पटना जंक्शन के। यहाँ पर है बजरंगबली का मंदिर जो बिहार का बहुत ही फेमस मंदिर में से एक है।
जंक्शन का मेन गेट ये रहा और इधर से अभी चलते हैं, घूमते हैं यहाँ पर, उसके बाद फिर चलेंगे कंकरबाग टेम्पू स्टैंड, उसके बाद वहाँ से जाएंगे घर पर क्योंकि मेरी दादी माँ यहीं रहती, उनके पास जाएंगे, उनसे आप लोगों को भी मिलवाएंगे। तो चलिए, फिलहाल पटना जंक्शन से निकल चुके हैं और अभी कंकरबाग टेम्पू स्टैंड के लिए ऑटो पकड़ चुके हैं। तो गाइज, हम यहाँ पर अपने दादी के पास पहुँच चुके हैं कंकरबाग, तो थोड़ी देर पहले पहुँचे और यहाँ पर आने के बाद चाय पानी बिस्किट सब कुछ कर लिया और थोड़ा आराम कर लिए हैं। मेरी दादी माँ पूजा कर रही थी, अभी पूजा कर चुकी है, तो दिखाते हैं आपको और मिलवाते हैं हम अपनी दादी से। तो फिलहाल दादी देख सकते हैं, हमारी दादी यहाँ है, हमारी यहाँ पर दादी है और हाय हेलो कीजिए, गुड मॉर्निंग बोलिए। कोई है नहीं, वीडियो बना रहे हैं हम, आप लोग को अपनी दादी से भेंट करवाते हैं, मिलवाते हैं। तो गाइस, ये है हमारी दादी जो जो अभी फास्टिंग कर रही है, फास्टिंग कर रहे हैं ना, फास्टिंग है आपका? नहीं फास्टिंग नहीं, तो अभी नमक चीनी पानी पी रही है, पूजा करके आई है और नमक चीनी पानी पी रही है। आप लोग गेस कीजिए कितने साल की होगी, कमेंट कीजिएगा। कितने साल की है दादी? तो आप लोग गेस कीजिए कितने साल की है हमारी दादी और कमेंट कीजिए। तो फिलहाल अभी हम दादी के पास आ चुके हैं और इस किसी को अभी थोड़ी दिखेगा, बाद में दिखेगा, जब वीडियो एडिट कर देंगे, पोस्ट कर देंगे ना यूट्यूब पर, तब दिखेगा। तो मेरी दादी करीब छिहत्तर साल की है और आप लोग क्या गेस किए थे वो जरूर कमेंट कीजिएगा। और चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर आगे आने वाले ब्लॉग में दिखाते हैं, अभी दो तीन दिन यहाँ रहेंगे और पटना देखते हैं, घूमेंगे तो आप लोग को भी दिखाएंगे। तो चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं, आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो इस ब्लॉग में हम आप लोगों को दिखाए दरभंगा से किस तरह पटना आए और पटना आने के बाद दादी से मिले हैं, वो सारी चीज़ आप लोगों को दिखा दिए। तो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में।